टेम्परेचर इन ए ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, इस वीडियो में हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। टेम्परेचर अफेक्ट्स ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट सच एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन, आयन अपटेक, ट्रांसपिरेशन, पिगमेंट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, बल्बिंग, इलोंगेशन एटसेट्रा। ओवर ए लिमिटेड रेंज एट विच प्लांट ग्रोथ विल अकर, बायोकेमिकल प्रोसेसेस डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इफ द सोयल इज कोल्ड, वाटर एंड आयन अपटेक एंड रूट ग्रोथ विल बी रिड्यूस्ड। द टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस इज डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ प्लांट्स विच आर टू बी ग्रोन इन द ग्रीन हाउस। तापमान की यदि बात करें तो तापमान को देखते हैं कि तापमान पौधों की सभी शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ट्रांसलोकेशन, आयन अपग्रहण, वाष्पोत्सर्जन, वर्णक निर्माण, प्रजनन, बल्बिंग, वृद्धि आदि को प्रभावित करता है। एक सीमित सीमा में जिस पर पौधे की वृद्धि होती है, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर दोगुनी हो जाती है। यदि मिट्टी ठंडी है तो तापमान की कमी के कारण पानी और आयन का अवशोषण कम हो जाता है और जड़ की वृद्धि कम हो जाती है। ग्रीन हाउस में तापमान पौधों के प्रकार पर निर्भर करता है जो उसमें उगाए जाते हैं, यानी कि जिस प्रजाति के पौधे उगाए जा रहे हैं सबके लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार ग्रीन हाउस के अंदर तापमान को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस पर जो पौधों के अंदर होने वाली गतिविधियाँ हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है वह दिखाई दे रहा है। जब हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते हैं, यानी कि टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, तो सभी गतिविधियाँ, चाहे ग्रोथ रेट हो, चाहे एंजाइम एक्टिविटी हो, चाहे रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से धीरे धीरे वो बढ़ती है। लेकिन टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार बढ़ती रहती है। एक टाइम के बाद में या एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और बाद में यदि टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो बहुत कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो यहाँ देखने में ये आ रहा है कि लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर दोनों में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा नहीं होती, बीच के टेम्परेचर जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि एक निश्चित रेंज है जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस ज़्यादा हो रही हैं। तो हर प्लांट के लिए एक रेंज की आवश्यकता होती है टेम्परेचर की, जिस रेंज में वह प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सकता है। अब बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेफर्स टू द बेस्ट टेम्परेचर एट विच प्लांट कैन ग्रो अंडर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इज डिफरेंट। इट यूजुअली वेरीज विद डे एंड नाइट, सीजन, लोकेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज जर्मिनेशन, रूटिंग, बल्बिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, रिपनिंग एटसेट्रा। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ टोमेटो इज शोन इन द टेबल। यू कैन सी इन द टेबल दैट फॉर सीड जर्मिनेशन मिनिमम टेम्परेचर इज 11 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस एंड सूटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 16 to 29 डिग्री सेल्सियस। सीडलिंग ग्रोथ मिनिमम टेम्परेचर 18, मैक्सिमम 32 एंड सूटेबल रेंज 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। फ्रूट सेट डे टेम्परेचर मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 एंड सूटेबल रेंज इज 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। फ्रूट सेट नाइट मिनिमम 10, मैक्सिमम 30 एंड सूटेबल रेंज इज 15 to 17 डिग्री सेल्सियस। रेड कलर डेवलपमेंट मिनिमम 10, मैक्सिमम 30 एंड सूटेबल रेंज इज 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। इष्टतम तापमान की यदि हम बात करते हैं, इष्टतम तापमान से तात्पर्य उस सर्वोत्तम तापमान से है जिस पर पौधे विशेष प्रकार की जलवायु परिस्थिति में विकसित होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के लिए इष्टतम तापमान सीमा भिन्न होती है।
यह आमतौर पर दिन और रात, मौसम, स्थान, वृद्धि, विकास के चरण जैसे अंकुरण, जड़े निकलना, बल्बिंग होना, फूल आना, फल आना, फल पकना आदि के साथ बदलता रहता है। टमाटर के विभिन्न अवस्थाओं के लिए तापमान आवश्यकता को तालिका में दर्शाया गया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि टमाटर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, और इसके अलावा यदि दूसरे प्लांट का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो वहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ होगा और एक सूटेबल रेंज भी होगी हर प्रकार की बायोलॉजिकल प्रक्रिया के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसी चीज़ को फिर से देख सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए कम से कम 11 है और अधिक से अधिक 34 डिग्री है, और जो सूटेबल रेंज है वो 16 से 29 है। इसी प्रकार की हर एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर की एक मिनिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, और एक रेंज होती है जहाँ पर वो सबसे अच्छा कार्य करता है, तो उसको सूटेबल रेंज कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा है, सीजन कैसा है, प्लांट की स्पीसीज कौन सी है जो उगाई जानी है, उसी के अनुसार टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर तापमान को नियंत्रित कैसे करना है। द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड आइदर बाई इंक्रीजिंग और बाई डिक्रीजिंग इट इन ग्रीन हाउस। इट कैन बी डन बाई फॉलोइंग मैथड्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन एक्टिव मैथड, नंबर टू पैसिव मैथड। तो ग्रीन हाउस में तापमान को या तो बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है। मान लिया तापमान कम है और प्लांट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, और तापमान यदि अधिक है और प्लांट को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कम चाहिए तो तापमान घटाना पड़ेगा। तो इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है जो दो प्रकार की है। टेम्परेचर को बढ़ाने के और घटाने के दो तरीके हैं। एक है एक्टिव मेथड, जिसमें आपको कुछ न कुछ कंटिन्यूसली इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, और एक है पैसिव मेथड, जिसमें किसी कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है। एक बार कोई कार्य कर दिया जाएगा उसके बाद टेम्परेचर किसी लिमिट तक कंट्रोल में बना रहेगा, या ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उनको कम किया जा सकता है। सबसे पहले एक्टिव मेथड को देखते हैं। फॉलोइंग आर सम एक्टिव मेथड्स टू मेंटेन टेम्परेचर इन ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में तापमान को बनाए रखने के लिए कुछ सक्रिय विधियां निम्न प्रकार हैं। पहली क्या है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, उसके बाद देख लेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करने के क्या तरीके हैं। इंक्रीज करने में देखते हैं, द टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज बाई फॉलोइंग मैथड्स। बहुत सिंपल मैथड है, यूज ऑफ हीटर विद फैन। इन दिस मैथड ए हीटर विद ए फैन इज यूज। द फैन इनफ्लोज द हॉट एयर इन साइड द ग्रीन हाउस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फैन, और हीटर के साथ में ये फैन है। जब भी टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीटर के साथ में फैन को चला देते हैं, और उससे क्या है कि टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस विधि में पंखे वाले हीटर का प्रयोग किया जाता है, हीटर के साथ फैन है। पंखा ग्रीन हाउस के अंदर गर्म हवा को प्रवाहित करता है और उसका तापमान बढ़ सकता है। दूसरा तरीका क्या है टेम्परेचर बढ़ाने का, एक्टिव मेथड है ये भी, यूज ऑफ बॉयलर। बॉयलर का उपयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। अब बॉयलर का उपयोग कैसे करना है, द ब्लैक पेंटेड मेटल पाइप्स आर लेड डाउन इन द ग्रीन हाउस। द हॉट वाटर फ्रॉम बॉयलर इज इन फ्लोड इन टू द पाइप्स। द पाइप्स आर हीटेड अप एंड रिलीज हीट बाई रेडिएशन विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस। तो बॉयलर में क्या है, ग्रीन हाउस में काले रंग के इसलिए कि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज़्यादा रिलीज करता है, इसलिए जो पाइप ये नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के हैं। ग्रीन हाउस में काले रंग के धातु के पाइप बिछाए जाते हैं। बॉयलर के गर्म पानी को पाइपों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे पाइप गर्म हो जाते हैं और विकिरण द्वारा गर्मी छोड़ते हैं, जिससे ग्रीन हाउस का ताप बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये बॉयलर है, बॉयलर में पानी गर्म हो रहा है, पानी को प्रवाहित किया जा रहा है इन ब्लैक कलर के पाइपों में। जब गर्म पानी प्रवाहित होगा तो ये जो पाइप है ये भी गर्म हो जाएंगे और इनसे हीट बाहर, रेडिएशन से हीट बाहर निकलने लगेगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, एक्टिव मेथड है ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को बढ़ाने का। टू डिक्रीज द टेम्परेचर, अब यदि टेम्परेचर आवश्यकता से अधिक है, जितने रेंज की टेम्परेचर की प्लांट को आवश्यकता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर ग्रीन हाउस का है, तो उसको घटाना पड़ेगा। घटाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नंबर वन
मिनिमाइजेशन ऑफ डायरेक्ट बीम रेडिएशन। द एंट्री ऑफ डायरेक्ट रेडिएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ स्क्रीन एंड टेम्परेचर इंक्रीज कैन बी कंट्रोल। यहाँ पर आप फिगर को देखिए, स्क्रीन के उपयोग से सूर्य की किरणों के प्रवेश को कम किया जा सकता है और तापमान में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। जब ग्रीन हाउस के ऊपर लाइट कम पड़ेगी, सनलाइट कम पड़ेगी, तो अंदर भी रेडिएशन कम जाएगा और टेम्परेचर किसी हद तक उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो एक तो ये तरीका हो गया कूलिंग का, इसको ये भी कह सकते हैं कि कूलिंग के बजाय टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने का तरीका है ये एक तरह से। अब यदि टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको कूल करना है। कूल करने का तरीका क्या है? इवेपोरेटिव कूलिंग। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। फैन एंड पैड सिस्टम। इन दिस मेथड एन इवेपोरेटिव कूलिंग पैड इज इंस्टॉल्ड ऑन वन साइड। वाटर इज पास्ड बाय स्मॉल सर्कुलेटिंग पंप ओवर दिस पैड। द फैन इज इंस्टॉल्ड ऑन द अपोजिट साइड इन द ग्रीन हाउस। एयर एंटर्स थ्रू द कूलिंग पैड्स, gets cooled and taken out through the exhaust fan covering entire length of greenhouse and cool sheet. तो वाष्पीकरणीय शीतलन यह निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला है पैड और पंखा प्रणाली, जिसको हम पैड एंड फैन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या है, इस विधि में एक तरफ एक वाष्पीकरणीय शीतलन पैड स्थापित की जाती है। इस फिगर में देखिए कि ये जो यहाँ पर लगी हुई है ये शीतलन पैड या कूलिंग पैड है। इस पैड के ऊपर छोटे परिसंचारी पंप द्वारा पानी प्रवाहित किया जा सकता है। पैड के ऊपर यहाँ पर या इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर पानी प्रवाहित किया जा रहा है। पंखा ग्रीन हाउस में विपरीत दिशा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। शीतलन पैड के माध्यम से प्रवेश करने वाली हवा ठंडी हो जाती है। अब जब हवा इस पैड के अंदर से घुसेगी तो ये ठंडी हो जाएगी, इधर से एग्जॉस्ट फैन इसको खींच लेगा तो अंदर का सारा एरिया ठंडा होने लगेगा और ग्रीन हाउस की पूरी लंबाई को ठंडा करते हुए निकास पंखे के माध्यम से बाहर निकल जाती है। निकास पंखा या एग्जॉस्ट फैन इधर लगे हुए हैं, इधर से हवा बाहर जाएगी, अंदर प्रेशर, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और जो कूलिंग पैड है वहां से एंटर करेगी और ग्रीन हाउस ठंडा होने लगेगा। दूसरा तरीका है फोग सिस्टम या मिस्टिंग। तो ये भी एक तरह का इवेपोरेटिव कूलिंग है, फॉग सिस्टम, इसके द्वारा भी हम कूलिंग कर सकते हैं। फॉग नोजल्स कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द ग्रीन हाउस रिजल्टिंग इन ए मोर यूनिफॉर्म कूलिंग पैटर्न कंपेयर्ड टू पैड एंड फैन सिस्टम। जो फॉग सिस्टम है उससे जो कूलिंग होती है वो हर जगह एक समान होती है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होती। पैड एंड फैन सिस्टम में क्या होगा कि पैड के पास टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाएगा और पैड से दूर वहाँ थोड़ा कम डाउन होगा, तो इसलिए एक समान कूलिंग उसमें नहीं हो पाती। इसके कंपैरिजन में यदि बात करें, द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज वन नोजल फॉर एवरी 50 to 100 स्क्वायर फीट और ग्रोइंग एरिया। तो 50 से 100 स्क्वायर फीट के एरिए में एक नोजल काफी है, इस तरह से अरेंज किया जाता है। द वाटर प्रेशर यूज्ड इन ग्रीन हाउस फॉग सिस्टम इज वेरी हाई, 500 pounds पर स्क्वायर इंच एंड हायर, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरी फाइन ड्रोपलेट्स that evaporate before the droplets can reach plant surfaces. The water needs to be free of impurities to prevent clogging of the small nozzle openings. इसको देख लेते हैं। ग्रीन हाउस में फोग नोजल लगाए जाते हैं, ये दिखाई दे रहा है नोजल, यहाँ से आप देखें बहुत महीन बूंदे स्प्रे हो रही है, जिनसे पैड एंड फैन सिस्टम की तुलना में अधिक समान शीतलन होता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इसमें कूलिंग हर जगह एक समान होती है। प्रत्येक 50 से 100 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए एक नोजल काफी रहता है। ग्रीन हाउस फोग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले पानी का दबाव बहुत अधिक, 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच या उससे अधिक रखा जाता है, ताकि बहुत महीन बूंदों का उत्पादन किया जा सके और बूंदों को पौधों की सतह तक पहुंचने से पहले वाष्पित किया जा सके। यानी कि जो भी यहाँ से ड्रोपलेट्स निकल रहे हैं वो इतनी महीन होनी चाहिए कि ड्रोपलेट की फॉर्म में नीचे ना गिरे, वो इवेपोरेट हो जाए। जब इवेपोरेट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे कूलिंग होने लगेगी। नोजल के छिद्रों को बंद होने के से बचाने के लिए पानी को अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। अब पानी में यदि साल्ट है या दूसरी तरह की अशुद्धियां हैं तो नोजल के छिद्र हैं उनको वो बंद कर देगी, तो इसलिए पानी कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तीसरा तरीका कूलिंग का क्या है, यूज ऑफ गनी क्लॉथ, मोटे कपड़े का प्रयोग। द
another way of achieving evaporating cooling is to cover the roof of greenhouse by gunny cloths and spraying water over it. The heat is reduced through evaporation and cools the greenhouse. तो next method है वाष्पीकरणीय शीतलन प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है कि ग्रीन हाउस की छत पर मोटे कपड़े से ढक दिया जाए, छत को मोटे कपड़े से ढक दिया और उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए। जब यहाँ पर पानी का छिड़काव होगा तो क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा और धीरे धीरे कूलिंग होने लगेगी। वाष्पीकरण के माध्यम से ग्रीन हाउस की गर्मी कम हो जाती है और ग्रीन हाउस को ठंडा कर देती है। अब तक हमने देखे एक्टिव मेथड्स, अब हम देखेंगे पैसिव मेथड्स। फॉलोइंग आर सम पैसिव मेथड्स ऑफ टू मेंटेन टेम्परेचर इन ए ग्रीन हाउस। नंबर वन, वाटर स्टोरेज। वाटर इज यूज टू स्टोर एक्सेस हीट ड्यूरिंग डे एंड टू रिलीज हीट ड्यूरिंग नाइट। स्टोरेज इज डन द नॉर्थ साइड। ग्रीन हाउस में तापमान बनाए रखने के लिए कुछ निष्क्रिय विधियां भी हैं। सबसे पहला जल संचयन है। जल का उपयोग दिन में अतिरिक्त गर्मी को संचित करने और रात में गर्मी को छोड़ने के लिए किया जाता है। भंडारण उत्तर दिशा में किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीन हाउस है, इसमें उत्तर दिशा में ये जल के भंडारण के लिए वाटर स्टोरेज टैंक रखे हुए हैं। दिन के समय ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी फालतू हीट होती है, और रात को जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हीट को रिलीज कर देते हैं। ब्लैक कलर के ही ज़्यादातर रहते हैं, जिससे कि मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सके और मैक्सिमम रिलीज कर सके, और इस प्रकार से दिन के समय टेम्परेचर बढ़ने को रोकते हैं और रात के समय टेम्परेचर घटने को रोकते हैं। तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। लेटेंट हीट स्टोरेज मटीरियल। मटीरियल्स लाइक CaCl2.6H2O, मेल्टिंग टेम्परेचर 29.7 डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट 170 किलोजूल पर किलोग्राम हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड। दीज आर प्लेस्ड अंडरग्राउंड ऑन एन इंसुलेटेड एरिया। एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द स्टोरेज एरिया। दीज मटेरियल्स एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग डे एंड रिलीज इट ड्यूरिंग नाइट। तो गुप्त ऊष्मा भंडारण सामग्री क्या है? इसके लिए हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 29.7 डिग्री सेल्सियस और गुप्त ऊष्मा 170 किलो जूल पर किलोग्राम है, जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन्हें एक ऊष्मारोधी क्षेत्र पर भूमिगत रखा जाता है, जमीन के नीचे रखा जाता है। भंडारण क्षेत्र से हवा प्रवाहित की जाती है। ये पदार्थ दिन में गर्मी को अवशोषित करते हैं और रात के दौरान इसे छोड़ते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ये मटेरियल है, इसकी गुप्त ऊष्मा पर ध्यान दें और इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ध्यान दें। मेल्टिंग पॉइंट 29.7 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये टेम्परेचर की वो रेंज है जो प्लांट के लिए सूटेबल है, और गुप्त ऊष्मा 170 किलो जूल पर किलोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक किलोग्राम को मेल्ट करने के लिए आपको 170 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक किलो ये मटेरियल रखा हुआ है, तो जब तक ये सारा मेल्ट होगा तो 170 किलो जूल ऊष्मा को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। यानी कि अगर हमारा गुप्त ऊष्मा जितनी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उतना ज़्यादा यूजफुल होगा। तो हमने इस प्रकार के दूसरे मटेरियल भी ले सकते हैं जो जिसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा हो और टेम्परेचर इसके आसपास हो, जैसे 29 है, 30 है, 32 है, जो प्लांट के लिए सूटेबल रेंज है। तो जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा और ये मेल्ट होगा, तो जब तक ये सारा मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये अपने आसपास के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। बरीड पाइप ग्राउंड स्टोरेज। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम पाइप्स आर बरीड एट डेप्थ ऑफ फ्यू मीटर्स इन सोइल। एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू दीज पाइप्स। हीट फ्रॉम एयर इज ट्रांसफर्ड इन द ग्राउंड ड्यूरिंग डे एंड रिलीज ड्यूरिंग नाइट। दबे हुए पाइप ग्राउंड स्टोरेज या बरीड पाइप ग्राउंड स्टोरेज। यहाँ पर आप फिगर को देखिए कि पाइप है जमीन के नीचे दबे हुए हैं। प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के पाइप मिट्टी में कुछ मीटर की गहराई में दबाए जाते हैं। इन पाइपों से हवा प्रवाहित की जाती है। दिन में हवा के द्वारा गर्मी जमीन में स्थानांतरित हो जाती है और रात को ग्रीन हाउस को गर्म करती है। अब दिन में यदि इन पाइपों से हवा प्रवाहित की जाएगी तो
तो जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस के यहाँ के ऊपर के टेम्परेचर से कम है, तो दिन में ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब रात में जब ग्रीन हाउस का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी तुलना में जमीन के जो अंडरग्राउंड पाइप्स है इस एरिया का टेम्परेचर अधिक होगा और रात को ये हीट को रिलीज करेगा। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। सेम प्रक्रिया आगे है रॉक बेड स्टोरेज। रॉक बेड स्टोरेज में क्या है, ए रॉक बेड ऑफ 2200 mm थिक ग्रेवल इज मेड एट ए डेप्थ बिटवीन 40 to 50 cm बिलो द फ्लोर ऑफ द ग्रीन हाउस। ड्यूरिंग द डे द हीट इज ट्रांसफर्ड बाई द एयर टू द रॉक बेड विच हीट्स द ग्रीन हाउस एट नाइट। फिगर को देखते हैं, ग्रीन हाउस के फ्लोर के नीचे 40 to 50 cm के बीच की गहराई में 20 से 100 मिलीमीटर मोटी बजरी का रॉक बेड तैयार किया जाता है। तो 40 से 50 सेंटीमीटर गहरे एरिया में ये रॉक बेड बना दिया गया है 20 से 100 मिलीमीटर साइज की मोटी बजरी के। अब इसमें क्या किया, दिन में हवा के द्वारा गर्मी रॉक बेड में स्थानांतरित हो जाती है जो रात में ग्रीन हाउस को गर्म करती है। कैसे गर्म करती है, एयर सर्कुलेट हो रही है यहाँ से। दिन में ये एयर गर्म है क्योंकि ग्रीन हाउस का ऊपर का टेम्परेचर अधिक है, तो ये रॉक बेड को ऊर्जा देगी, एक तरह की हीट देगी, रॉक बेड हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और रात में ग्रीन हाउस का ऊपर का टेम्परेचर कम हो जाता है, एयर सर्कुलेट होती रहेगी, तो रात को ये ग्रीन हाउस को गर्म करेगा। इस प्रकार से हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ वॉल स्टोरेज। इनसाइड द ग्रीन हाउस ए ब्लैक पेंटेड ब्रिक वॉल इज कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ साइड, इट स्टोर्स हीट ड्यूरिंग डे एंड रिलीज हीट ड्यूरिंग नाइट। अब उत्तर दीवार भंडारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रीन हाउस के अंदर एक काले रंग की ईंट की दीवार का निर्माण उत्तर की ओर किया जाता है। यह दिन के दौरान गर्मी जमा करता है और रात के दौरान गर्मी को छोड़ता है। वाटर स्टोरेज भी हमने नॉर्थ साइड में ही रखा था, ये भी नॉर्थ साइड में ही है। तो नॉर्थ साइड में क्यों रखते हैं कि ग्रीन हाउस के नॉर्थ में ही रखेंगे तो इसकी शेड ग्रीन हाउस की अंदर नहीं आएगी, ग्रीन हाउस की दीवार की तरफ जाएगी। तो दिन के समय जो हीट सनलाइट से मिल रही है वो काफी हद तक ये जो नॉर्थ वाल है एब्जॉर्ब कर लेती है और रात के समय पर हीट को रिलीज कर देती है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस के टेम्परेचर में जो बदलाव हो सकता है उसको बदलाव को ये रोकती है। तो हमने ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर का क्या महत्व है, ग्रीन हाउस के अंदर के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये कुछ मेथड्स इसमें डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू।